सिंगरौली में कंपनियों द्वारा किए जा रहे लोगों के शोषण के खिलाफ पुनः समीक्षा बैठक में हुंकार भरी गई। बैठक में कहा गया कि एनटीपीसी एनसीएल विस्थापितों का शोषण कर रहा है। शक्तिनगर चिलका डाड बस्ती में नागरिक मंच की पुनर्समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विस्थापित ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नागरिक मंच की समीक्षा के बाद नए पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। नर्मदा प्रसाद कुशवाहा को इसका संयोजक नियुक्त किया गया। नागरिक मंच अध्यक्ष पन्नालाल ने एनटीपीसी और एनसीएल आदि कंपनियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम विस्थापितों का एनटीपीसी एनसीएल शोषण कर रहा है और किए हुए वादों से मुकर रहा है। धूल प्रदूषण से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की जो मीटिंग हुई उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो एनटीपीसी है और एनसीएल है जी, यह यहाँ के विस्थापितों का, यहाँ के लोगों का जो अधिकार छीन लिया है, इनको मूल रूप से रोजगार दिया जाए, उनको मजबूत किया जाए, इनको शिक्षा व्यवस्था किया जाए, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए जी, और इनको जो है रोजगार दिया जाए, यह मुख्य हमारा विषय था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।